एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज अपना व्लॉग में फ्राइडे है और 11:30 बज रहे हैं, शायद 11:30 हो रहे होंगे। इससे अपना व्लॉग अभी मैंने स्टार्ट करा है। इससे पहले मैं गई थी छत में, आपने देखा कपड़े वगैरह जो थे मैंने मशीन में ड्रायर करे थे, तो उन्हें मैं सुखाने गई थी। वैसे तो धूप नहीं आ रही है, बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है, लेकिन वो मशीन में ड्रायर करे हुए थे ना, तो थोड़ा सा हवा लग जाती है, और हवा लगने से क्या होता है, थोड़ा सा वो सूख जाते हैं। चाहे फिर नेक्स्ट उसको दोबारा से हम हल्की धूप में या फिर हवा में दोबारा सुखा दें तो वो अच्छे से सूख जाते हैं। अदरवाइज मशीन में भी सूखे हुए ना हो तो फिर 2 से 3 दिन लग जाते हैं, और फिर उनमें बहुत अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो इस वजह से मैं उन्हें छत में डालकर आ गई हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं जो हमारा ये कैबिनेट है कॉर्नर वाला, इसको मैं साफ कर रही हूँ। यहाँ पर इसको मैं साफ करने की काफी दिनों से सोच रही थी, लेकिन वही होता है ना, हम सोचते हैं और सोचते दिन निकल जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। तो यहाँ पर काफी सामान, मतलब सामान ऐसा नहीं है कि इधर से मतलब ऐसे खराब हो रहा है या वो हो रहा है, सामान यहाँ पर खराब होने वाला कोई रखा ही नहीं था, लेकिन ये होता है कि सामान एक के ऊपर एक हो रखा था, क्योंकि काफी बार हम लोग ही कर देते हैं, काफी बार के हम ही लोग करते हैं। अब बाहर से तो कोई आएगा नहीं, या फिर बच्चे कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ कर दिया। और यहाँ पे जो कॉर्नर है ना, इसको क्लीन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये कॉर्नर में है और यहाँ पर हाथ वगैरह इतना जाता नहीं है, तो इसको बड़ी मुश्किल से, मतलब आप बोल सकते हो लेट लेट के इसको साफ करना पड़ता है, हाथ बहुत लंबे करने पड़ते हैं। तो झाड़ू मैंने मार दिया है, यहाँ पर मैंने एक गीला कपड़ा भी मार दिया अच्छे से, और अब मैं जितना भी सामान है वो लगा रही हूँ। और जितने भी यहाँ पर वाटर बॉटल्स थी ना, वो सभी मैं हमारे मंदिर वाले रूम में जो अलमीरा है वहाँ पर मैं इसको सेट कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना, हम लोग बास्केट को घुमाते हैं तो वो एक के ऊपर एक जो है बॉटल्स गिर जाती हैं। तो यहाँ से बॉटल्स मैं हटा रही हूँ। जितने भी कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स मैंने चेक करके रख दिए हैं, उनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं भूल गई थी। तो बस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ी सी सफाई की ज़रूरत थी, तो क्योंकि आप मानसून क्लीनिंग भी बोल सकते हो, होता है कि हम लोग कुछ भूल भी गए ना तो ये फिर ज़रूर से ख़राब होगा, क्योंकि बरसात चल रही है इसलिए। तो यहाँ पर कुछ पैकेट्स थे, ये इनको मैं एज इट इज़ रख रही हूँ, इनको मैं खोलूँगी नहीं, क्योंकि अभी मुझे इनकी इतना ज़रूरत है नहीं, फिर इनको कंटेनर में खाली करना पड़ेगा इसलिए। तो चाय पत्ती, मैदा, मैगी वगैरह थे, कुछ पाउचेस थे जैसे पानी पूरी का, वो मैंने ऐसे ही रख दिए, क्योंकि इनको खोलूँगी तो फिर इनको रबर बैंड करना पड़ेगा इसलिए, जब ज़रूरत होगी तभी मैं इनको खोलूँगी। और थोड़े थोड़े से सिवई का पैकेट था और चाय पत्ती का पैकेट था, आधे आधे खुले हुए थे, वो मैंने उसमें, चूँकि चाय पत्ती भी ख़त्म हो रही थी तो उसमें मैंने उसको फिल कर दिया है। तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत सामान था भी, वो भी मैंने सेट कर दिया अच्छे से। तो जो हमारा कॉर्नर वाला जो पोर्शन है ना, उसको अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। अब जितना भी कैबिनेट्स हैं उन सभी को मैं साफ़ करूँगी, मतलब कि बाहर से। अभी 1 से 2 कैबिनेट्स ऐसे हैं जो मैंने साफ़ करे हैं, और पूरा किचन तो एक दिन में साफ़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अगर मैं सारा का सारा किचन लेकर बैठ जाऊँगी तो 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, जो कि मेरे पास नहीं होते हैं, और होते ही हर हाउसवाइफ और जिनके साथ में बच्चे हों उनके पास तो खासकर टाइम इतना नहीं होता है कि वो 3 से 4 घंटे निकाल पाए, क्योंकि उसमें उन्हें और भी काम होते हैं, खाना भी बनाना होता है इस वजह से। तो दाल मैंने बॉईल करके पहले ही रख दी थी, ताकि मुझे पता था ना, क्योंकि 1 घंटा तो इसमें लगेगा ही लगेगा इसलिए। तो वो कॉर्नर वाला जो साइड है वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, सारा सामान सेट कर दिया है। उसके बगल में ही ये वाला कैबिनेट है, इसको भी मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने कहा चलो कर देती हूँ, अभी थोड़ा टाइम है तो कर देते हैं, मेरे लिए अच्छा है वो। तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और
और उधर वाला कैबिनेट क्लीन करने के बाद मैं उसके साइड मतलब उसके बगल वाला ही जो कैबिनेट है वो क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पर हमारी प्लेट्स रहती हैं, राउंड वाली प्लेट्स, छोटी वाली प्लेट्स, तो ये सारे के सारे पहले मैं हटाऊंगी क्योंकि झाड़ू लगाऊंगी तो फिर थोड़ा सा डस्ट वगैरह रहता है तो वो बर्तनों में लगेगा, इसलिए सारे के सारे जितने भी बर्तन थे मैंने सारे हटा दिए हैं। और एक बार अच्छे से यहाँ पर झाड़ू मार दूंगी मैं, और उसके बाद यहाँ पर मैं जो विम जेल होता है ना, विम जेल से ही इसको स्क्रब से अच्छे से साफ कर लूंगी कैबिनेट्स को, और उसके बाद एक गीले जो कपड़ा है हमारा उससे इसको साफ कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने फ़ैन ऑन करके रखा है क्योंकि एक तो गर्मी लग रही है और साथ में जो यहाँ पे गीला हो रहा है ना जितना भी, तो ये फटाफट से सूखता भी रहे हाथों हाथ, नहीं तो फिर गीले गीले मैं कैबिनेट बंद कर दूँगी ना तो और जैसा सीलन जैसा हो जाएगा इस वजह से। तो अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया यहाँ पर, और अब जितने भी बर्तन हैं वो सारे के सारे बर्तन यहाँ पर लगा लूँगी मैं, और बस इसके बाद मैं दाल छकूँगी क्योंकि मतलब कैबिनेट्स पूरे क्लीन कर दूँगी उसके बाद मैं दाल छकूँगी क्योंकि खाना बनाना भी ज़रूरी है। वो तो मैंने दाल बॉयल करके रखी थी पहले, तो मुझे बहुत ईजी हुआ कि मतलब अगर मुझे एक घंटा भी लगा ये सब करने में तो ये टेंशन नहीं थी कि मुझे अभी दाल वगैरह बनानी है। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 जो हमारे कैबिनेट्स हैं नीचे वाले वो मैंने क्लीन कर दिए हैं, बाकी के जो 2 से 3 रहते हैं वो मैं आगे कभी करूँगी क्योंकि सारा का सारा एक साथ मैं नहीं कर सकती क्योंकि थोड़ा सा थक भी जाते हैं ना, देखने में कम लगता है लेकिन वैसे जब लग जाओ ना इस काम में तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है और थोड़ा सा थकावट भी होती है, इस वजह से मैंने सिर्फ 2 से 3 कैबिनेट्स करे हैं। बाकी मैंने जितना भी कैबिनेट थे बाहर से मैंने इनको अच्छे से क्लीन कर दिया है, और ये जो ये वाला क्लोथ होता है ना, वाइप क्लोथ जो होता है, ये बहुत अच्छा है क्लीन करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इजी हो जाता है क्लीन करना इस वजह से। तो साथ सबको मैं बाहर से अच्छे से चमका रही हूँ और जो 2 रहते हैं उनको फिर बाद में करूँगी मैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला पोर्शन रह गया है, और बरसात में क्या होता है ना कि थोड़ा थोड़ा सा करते रहना चाहिए, नहीं तो फिर आपको पता है बारिश इतनी पड़ रही है, धूप आ नहीं रही है, तो ये लकड़ी की चीज़ें हैं ना ये अजीब सी स्मेल देने लग जाती हैं, ख़राब जैसे होने लग जाती हैं, तो इनको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहो तो ठीक रहता है। और सारा जितना ही मैं काम कर रही हूँ मैंने फुल बिल्कुल 5 नंबर पर पंखा चला रखा है ताकि बिल्कुल भी इनमें थोड़ा सा भी गीलापन ना रहे इस वजह से। नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों को, ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आज हम चले हैं पतूड़ बनाने। पतूड़ भी कौन से हैं, ये देखो ये नेपाली पतूड़ है, ये की पौधा हो रहा है, तो ये नेपाली लोग इनके यहाँ रहते हैं तो अच्छा होता है, कह रहे ये गले में भी नहीं लगता है ना, तो आज हम पहली बार देख रहे हैं इसको बना के, इसको टेस्ट करके पहली बार देख रहे हैं कैसा होता है। तो यहाँ पहले मच्छरों क्या बोलते मच्छरों का आतंक हो रहा है, हंगामा हो गया है, बढ़ रहे। तो ये ना इस टाइप के पत्ते हैं ये वाले, इनकी शेप भी अलग रहती है, कलर भी इनके डार्क एक रहते हैं, हो रहा है ना, तो देखते हैं हमने बनाए नहीं पहली बार में, एक में हो रहा ना ये हा? एक में हो रहा ना, फेंक दिया हमारे लगाए थे लाया गए सर, एक में नहीं हो रहे, 4-5। अच्छा 4-5 है, अच्छा एक ही पेड़ ठीक है, छोटे छोटे ना ले, बताते हैं अच्छे होते हैं इसके ना, ये भी देखो ये भी काले काले रंडी, और ये हमारा नींबू का पेड़। तो ये देख लीजिए आप, ये पत्ते तोड़ लिए हैं तो ये डार्क ग्रीन रंग के हैं, तो बोलते हैं ये गले में नहीं लगते हैं, तो पहली बार बनाने जा रहे हैं तो देखते हैं इसे खा के पकौड़े कैसे बनते हैं, तब आपको भी बताते हैं ना।
वैसे स्वादिष्ट होते हैं बोलते हैं, देखते हैं। तो ये ब्लॉग बना रहे हैं, हमारी पूजा रानी आ रही है पीछे पीछे, मच्छरों ने हमला कर दिया इसको। खुजली खुजली मेरे को तो कम खाते हैं, इसको ज़्यादा खा रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं तो मच्छर इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आज आप सबको पता ही चल गया हम लोग पतोड़ बना रहे हैं, और ये वाले पतोड़ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक बार खाए हैं, मम्मी ने ही बनाए हैं, लेकिन मम्मी बोल रही है नहीं मैंने आज तक कभी नहीं बनाए, तो पता नहीं समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मम्मी ने ही बनाए हैं, लेकिन मम्मी को पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैंने ये कभी नहीं बनाए। तो चलिए जो भी है, तो अभी बना रहे हैं यहाँ पर, मैंने अच्छे से जो हमारा काउंटर टॉप है उसको साफ कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया है, ताकि मम्मी को प्लेट में ना बनाना पड़े, प्लेट में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, इस वजह से तो हम स्लैब के ऊपर ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे बनाते हैं पतोड़, मैंने आपको पर रेसिपी दी है, इस वजह से पूरा शेयर नहीं करूँगी, तो वैसे ही बना रही है मम्मी इनको, और बहुत टेस्टी थे ये, मतलब बहुत ही अलग थे ये, बिल्कुल 1% भी गले में नहीं लगते हैं, और टेस्ट इनका बहुत अच्छा होता है। हम छोटे छोटे पत्ते लेकर आए थे, क्योंकि बड़े बड़े में फिर बहुत बड़े बड़े, और फिर बेसन भी काफ़ी लगता है, छोटे छोटे आराम से बन जाते हैं। तो वही मम्मी यहाँ पर बना रही है, एवरीवन। अभी 5:30 बज गए शाम के, और बाहर आपने देखा कितनी ज़ोरों की बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर, और हमारे घर में गर्मा गर्म बन रहा है पतोड़, जो कि मैंने अभी आपको पहले दिखाया था ना, तो मम्मी वही तल रही है पतोड़, तल रही है मम्मी, और मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है, और गर्मा गर्म पतोड़ खाएंगे हम लोग। बारिश बहुत अच्छी हो रही है, सही टाइम पर बनाया हम लोगों ने, और शक्लें ना आज ऐसी हो रही है, बाहर ही नहीं बना रखे हैं सुबह से, वैसे कल से नहीं बनाया मैंने। हाँ मैंने भी नहीं कल से बनाया, मुझे याद ही नहीं है, जब ब्लॉग बनाते हो तभी बाहर नहीं बना रखे, भूतड़े बने हैं भूतड़े, ये देखो ये यम्मी यम्मी से हमारे मौसम में बारिश हो रही है, तो लीजिए देखो पतोड़ खाएंगे, तो यार पतोड़ अच्छे हैं, गले में नहीं लग रहे ना। हाँ ये बिल्कुल गले में नहीं लगते हैं, नेपाली बोलते हैं ना, साइड में लगा रखा है काफी सालों से, लगा हुआ है हम लोग बनाते बहुत कम है उसको, लेकिन आज थोड़े पत्ते हो गए ना, चलो बना लेते हैं। और यहाँ पे चाय बॉइल हो गई है, बारिश तो बहुत ही अच्छी वाली बारिश हो गई है, बहुत ज्यादा बिल्कुल काला मौसम हो गया है, तो मैं चाय में दूध डालते हैं और उसके बाद हम लोग खाते हैं परफ्यूम, बाल ऐसे हो रखे हैं बहुत ही बेकार वाले आपको। पतोड़ बन चुके हैं और सब ने खा लिए हैं, आशी और सिया खा रहे हैं, वो टीवी देख रहे हैं अपना, और बाकी हस्बैंड ने खा लिए थे, पापा ने खा लिए थे, और यहाँ पर मम्मी और मैं खा रहे हैं। अब हम लोग लास्ट में क्यों खाते हैं, आप लोग भी कभी सोचते होंगे, एक तो हम साथ में खाते हैं अच्छा लगता है, और एक हो जाता है कि हम लोग बनाते हैं ना, तो फिर सबको देने के बाद ही लेडीज़ होती है कि चलो लास्ट में हम लोग खाएं सबको खिलाने के बाद, तो इस वजह से हम लोग लास्ट में भी खाते हैं, और जो लास्ट में खाते हैं उसको खाने में मज़ा भी आता है, क्योंकि सारा का सारा मतलब कि सबको खिला देते हैं ना, तो आराम से बैठ के खाते हैं, तो बहुत अच्छे से हमने इसे खाया, मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी और थे ये चाय के साथ, तो बहुत ही अच्छे लगते भी हैं, बाहर बारिश हो रही है और यहाँ पर हम
लोग इंजॉय कर रहे हैं अपना चाय और पतोड़। और अपना व्लॉग आज मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई व्लॉग, क्योंकि थोड़ा सा मेरा कोल्ड जैसा मुझे लग रहा है, तो नहीं कर पा रही थी कंटिन्यू। तो नए वीडियो के साथ मिलूंगी आप सभी से बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सभी का। तो चलिए नए वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।